हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हाँ लेक्चर फुल रिफंड का है, फुल ऑटो फंड का है। फुल ऑटो फंड आप जानते हैं कि हम मुतलका जीडीएस में पोस्ट करते हैं, जिस जीडीएस का फंड हो। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक पीएनआर है, उसमें हम सबसे पहले बुकिंग कैंसिल करेंगे। पीएनआर मैंने कॉपी किया था, वो मैं एंटर करता हूँ। शुगर ऑरेंज, शुगर ऑरेंज राज्य एक्स डेल्टा एक्स, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले रिफंड करने के लिए इसकी बुकिंग कैंसिल करेंगे, एक्स आई सेव करेंगे या आई या। यह बुकिंग कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ये पीएनआर किसी और जीडीएस से क्विक करके आया है, ठीक है। इसका लिए हम इसका वीटीआर ओपन कर लेंगे, WETR डिस्प्ले टू, ठीक है। ये WETR है, ये सईदा नसरीन अख्तर काजी इसका नाम है, लाहौर से, लंदन से लाहौर। इसका टिकट बना हुआ है, ये टिकट नंबर है। सबसे पहले हम इसकी पेनल्टी चेक करेंगे बिफोर डिपार्चर, क्योंकि इसकी बुकिंग कैंसिल हो गई हुई है। आज 30 जुलाई को इसकी फ्लाइट है, यानी कि कल इसकी 10:25 पे इसकी डिपार्चर थी और ये आज 29 जुलाई है। इसके लिए हम इसकी पहले पेनल्टी चेक करेंगे। पेनल्टी चेक करने के लिए हम लिखते हैं फादर क्वीन, डेट ऑफ इशू कौन सी है, 26 जुलाई, 26 जुलाई 14, लाहौर से लंदन, लंदन से लाहौर है। हम लाहौर से लंदन चेक कर लेंगे, लाहौर से LHR, ठीक है। डेट ऑफ इशू डिपार्चर कौन सी है, 30 जुलाई। ये पास डेट का, यानी कि जिस दिन टिकट इशू हुआ था 26, उस दिन इसका क्या वेट था, इस कमांड से हमारा पास डेट का फेयर शो हो जाएगा, यानी कि हिस्टोरिकल फेयर भी कहते हैं इसको। नेम की पी के, ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं। गाइस जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारी ये कमांड ये सामने आ जाएगी, फेयर वन वे का फेयर ये है, रिटर्न के फेयर ये है। इसमें हमने देखना है हमारी कौन सी क्लास में टिकट बना है, हमारा जापान क्लास में बना है। हमने वापसी का नहीं देखना, हमने जाने का देखना था, क्योंकि टिकट जिधर से बनी हो उधर से ही हम फेयर चेक करते हैं। जापान लोग लंदन जापान क्लास में, यानी कि ये बिजनेस क्लास होती है, हम जापान क्लास देखेंगे वन वे का फेयर क्या है। मूव डाउन, जापान क्लास आया, ये तो यही मेथड है इसका, देखें इधर जापान क्लास ये है, ठीक है। जापान लो पी के, ठीक है, हमने देखना है यही बेसिक फेयर इसका यूज़ हुआ है और यही इसकी बेसिक फेयर है, ठीक है। जापान क्लास का JL6 मंथ वेल्ड है, ठीक है, यही फेयर इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। 10,000, 1,04,000, ये देखें यही फेयर इसका यूज़ हुआ है। मैं तो देखता हूँ बेसिक फेयर इसका PTR में, नहीं इसका फेयर यूज़ हुआ है 14,500। हमने इसका फेयर 14,500 वाला देखना, 14,500 वाला फेयर कौन सा था उस वक्त, ये देखें ये वाला फेयर यूज़ हुआ है 14,000, तो मैं ये वाला जापान क्लास का। इसका एक और हल है, हमने जो इधर कमांड ली है उसमें क्लास ओ लेन ओ डब्ल्यू कर लेंगे, ठीक है, अब हमें इजी हो जाएगा। अब इसका हम मूव डाउन करेंगे, तुम्हारे लिए हो इजी हो जाएगा, वन वे के फेयर आ जाएंगे सारे। जापान क्लास का एक ये है जापान क्लास, एक ये जापान क्लास है 27 नंबर पे, तो हम देखेंगे ये भी तकरीबन 6 मंथ वर्ल्ड है, 14,000, 1,45,000, ये फेयर यूज़ हुआ है जापान क्लास का। तो तकरीबन ये
ये मिलता जुलते फेर है। ठीक है, 14,000, 1,43,000। ठीक है, जापान क्लास का हम इसकी पेनल्टी पढ़ लेंगे। RD 27, डिस्प्ले 16। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने इसका बिफोर डिपार्चर 8,000 फंड है। ठीक है, बिफोर डिपार्चर क्योंकि कैंसिलेशन हमने पहले कर दी थी उसकी, आफ्टर डिपार्चर 2,000 है, आफ्टर डिपार्चर 2,000 है, बिफोर डिपार्चर 8,000। तो 8,000 हमने इसकी पेनल्टी में से काट देना है। अगर चेंज नहीं करा तो 4,000 है, अगर नोशो होता है बंदा तो 6,000 है। ठीक है, अगर आफ्टर डिपार्चर नोशो होता है तो 2,000 हो, 6,000, 8,000 फिर भी इसका हमें पे करना पड़ना था। ठीक है, ये मज़ीद इसकी दी हुई है हिस्ट्री, पेनल्टी दी हुई है। आपको पता है हमने डिस्प्ले 16 क्यों किया था? क्योंकि हम कोई भी पेनल्टी चेक करने के लिए एयरलाइंस की पॉलिसी नंबर 16 में जाते हैं। 16 पॉलिसी है किसी भी GDS में, या तो 16 नंबर पॉलिसी में ये पेनल्टीज होती हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हमने कितना फंड कैंसिलेशन होंगे, नोशो चार्जेस कितने होंगे, आफ्टर डिपॉजिट या बिफोर डिपॉजिट हमें कितनी कैंसिलेशन पड़ेंगी। 27 नंबर ये जो लाइन नंबर होता है बेसिक फेल का, हम वो चेक करते हैं। ठीक है, एक तरीका हो मैं बताता हूँ, एक मिनट, क्योंकि रिटर्न में अक्सर कहते हैं कि एयरलाइनर के रिटर्न पॉलिसी चेक की जाए। ये मैं बैग जाके ना यहाँ पे RT कर देता हूँ, रिटर्न की पॉलिसी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप मूव डाउन करेंगे, इसमें आप देखेंगे, ये देखें 14,500 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यही बेसिक फेयर है, तो हम RD डिस्प्ले 14,500 आपको पता है उतर आ रहा था, हमारा 1 वे में शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने रिटर्न जब लेते हैं रिटर्न कंबाइंड टिकट बना होता है, हम रिटर्न की हमने पॉलिसी पढ़ना होता है। तो RD 21 डिस्प्ले, ये देखें ये वाली पॉलिसी है, 21 डिस्प्ले, क्योंकि बिजनेस क्लास है, ये हमें बेसिक है उस दिन ये था। ठीक है, 16 करेंगे तो हमारी पेनल्टी आ जाएगी। वाचर चार्ज बारह की जनाब, ठीक हो, मैं एक मिलना थानू। उसके बाद 7,000 फॉर फंड है बिफोर डिपार्चर। ठीक है, तो हम इसका कंबाइंड टिकट बनाए तो हम इसकी वापसी की पॉलिसी पढ़ेंगे। हम देखेंगे वापसी की, इसमें जापान क्लास कौन सी दी हुई है, ये क्लास है, लेकिन वापसी की उसने शुगर क्लास भी ली हुई है। ठीक है, जापान क्लास में ये भी है, बॉम्बे क्लास भी है, यानी कि जिस कब टिकट इशू हुआ था उस वक्त बॉम्बे क्लास वैड था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7,000 हमारी पॉलिसी होगी। ठीक है, बिफोर डिपार्चर अब 7,000 होगा। अब IR करूँगा तो हमारा वो ओपन हो जाएगा, WT डिस्प्ले टी करूँगा, टिकट नंबर ओपन हो जाएगी टू करने से। ठीक है, जापान क्लास लाहौर से लंदन के लिए था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके लिए कमांड देंगे वाटर फादर राजा, टिकट नंबर ठीक है, क्लास वाले लाइन जोन सी एल एन ओ ए पी के। तो याद रखें हमने अब यहाँ पे पेनल्टी जो हमने देनी है, क्योंकि हमने कंबाइन बनाया, हमने बेसिक फेयर देखना तो कौन सा है, तो हमने वो 7,000 पेनल्टी पे करनी है। ये हमारा फंड ओपन हो गया, इधर वाजर वाजर करेंगे, उसके बाद हम इधर एक्स लिख के एंटर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आप हो जो ओपन हो जाएगा। यहाँ भी हमने 7,000 दे के एंटर करना है, तो ये हमारा डिडक्ट्स हो जाएगा, क्योंकि 2,12,000 में से 7,000 हमारा माइनस हो गया। उधर यहाँ पे आके हमने फिर एक्स रे लिखना है, फिर इधर आके क्लिक करना है, याद रखें इधर आके क्विट पे क्लिक नहीं करना है तो आपका फंड कैंसिल हो जाएगा। इधर आके आपने एंटर करना है तो वो कहेगा वेरीफाई कर दें ये आपकी अमाउंट ठीक है, आपने कहना ठीक है वेरीफाई है, आपने इधर आके एक्स पे फिर एंटर कर देना। ठीक है,
इधर उसने पूछना है कि पीए पे आपकी कितनी कमीशन है। तो पीए पे आपको पता है कि 0% कमीशन है। अगर -5 या 7 हो ये सेल लाइन, तो आपने इधर लिख देना, ठीक है, इधर ख़त्म करके आपने वो 5 लिख देना, लेकिन हमारी 0 तो हम 0 ही लाने देंगे। उसके बाद हम इधर आके एक्स लिखेंगे और फिर एंटर कर देंगे, तो मास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, डेल्टा कॉइन बम्बे डिस्प्ले RF लिखेंगे, तो हमारा जो अभी रिफंड हुआ होगा वो आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये जो अभी रिफंड था हमारा, ये कितना बना, 2,52,000 कुछ था, ये देखें ये रिफंड था। तो ये फोर उसी वक्त एडजस्ट हो गया जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, ये रिफंड हमारा एडजस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका VTR डिस्प्ले टी करेंगे, इसका ये टिकट नंबर लिखेंगे 214, ठीक है, इसका ये टिकट नंबर हूबहू वैसे लिखेंगे हम। अब देख रहे हैं ये टिकट नंबर, आगे हम लिखेंगे 5289367292, एंटर करेंगे तो हमारा ये फंड, ये स्टेटस फंड हो गया हुआ है, इसका मतलब हमारा ये फंड पोस्ट हो चुका हुआ है। कि गाइस दुआ में याद रखें, इस तरह आपने फंड करना सीखा, ठीक है। आपने देखा, हमने ये देखना कि हमारा ये फेयर कब यूज़ हुआ था, ठीक है, इसकी हमने पेनल्टी पढ़नी थी, वो आपको मैंने बताया किस तरह के हम जब टिकट इशू होता है वो फादर कोइन की कमांड लगा के टिकट इशू लिखते हैं, जो सेक्टर है लाहौर से लंदन का वो लिखना है, उसके बाद हमने डेट ऑफ डिपार्चर लिखना है, ठीक है, डिपार्चर के बाद नेम की जो सेल लेना है वो लिखनी है, ठीक है, एंटर कर देना, तो फिर भी हमने पॉलिसी पढ़ लेनी है, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ आए तो OWRT लगा के देख ले, ठीक है, OW1 वे के लिए, RT रिटर्न के लिए। ओके गाइस, तो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।